मॉर्निंग के लिए। प्रकाश सर, क्या कैरी कर रहे हैं आप मंडे मॉर्निंग के लिए? गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। कुछ नहीं कैरी करना चाहिए, वीकेंड बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं, बैक डाउन गैप डाउन भी खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए नो नो कैरी फॉरवर्ड्स, नो बीटीएससी, नो एसटीबीटी। जी क्विक ट्रेड कैरी ना करिए। और रचना जी, आपका टेक क्या होगा? जी मेरा ट्रेड टीसीएस में रहेगा। टीसीएस को हम एक बार ही लॉन्ग करने के अटेम्प्ट कर सकते हैं। पिछले 8-10 दिन से ये काउंटर साइडवेज में है और ये इतनी मार्केट में पूरी उथल पथल होने के बावजूद भी ये साइडवेज पे ही बैठा है, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा ओवरस्ट्रेचिंग की वजह से भी अगर हमें नेक्स्ट वीक को कोई रिलीफ रैली मिली तो इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है। फ्यूचर्स के हिसाब से इसका एसएल होना चाहिए 40-20 पे और लॉन्ग करेंगे अभी इसको 40-50 पे, तो अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 4300 एंड 4330। TCS अक्टूबर, BTST बाय टुडे सेल टुमारो। और इसमें कोई राय नहीं कि देखिए निफ्टी आईटी भले ही सिंक हुआ हो, बट निफ्टी आईटी की आज भी एक इम्पॉर्टेंस फील करिएगा, देखिएगा। निफ्टी आईटी का लो आज भी वो है जो 18 सितंबर के स्विंग लो से ऊपर का है। दैट मींस वो रेंज जिसका लोअर एज 17th of September से मेंटेन कर रहा है निफ्टी आईटी, वो आज भी नहीं टूटी। और आज का इंट्राडे हाई वही है जो पिछले 3 स्विंग्स का हाई था। ओके, अब दो ट्रेड्स हो गए। आशीष बहती जी, आप क्या पिक करेंगे? विरेन जी, टोरेंट फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने ऑल टाइम हायर क्लस्टर पे ही क्लोज दे रहा है और जिस सबका स्ट्रेंथ दिखाया इसने लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में, जहां मार्केट गिरावट में था इसमें कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बनी हुई थी, तो हमें लग रहा है यहाँ पे अच्छी खरीदारी देखी जा सकती है इन कमिंग वीक में। 3430 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, 3550 के पहले टारगेट और 3600 के दूसरे टारगेट के लिए। ओके, आपका ट्रेड रहेगा टोरेंट फार्मा डिफेंसेस को कैरी करते हुए। आप मानस, आपका ट्रेड? ये M&M में एक सेल रिकमेंडेशन है क्योंकि M&M में अब लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली इंट्राडे चार्ट में देखने को मिल रहे हैं। आज स्टॉक अपने 10-day मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो M&M के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 3035 के आसपास, 37 के आसपास से प्राइस चल रहे हैं, तो M&M के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 3081 के स्टॉप लॉस से 2950 के टारगेट के। ओके, M&M अक्टूबर फ्यूचर्स सेल टुडे और मंडे मॉर्निंग को इसको बाय करना है। आशीष बहती जी का ट्रेड हो चुका है, मेरे ख्याल से चलते राजेश सतगुरु जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं सेल साइड का ट्रेड लूंगा SRF। मुझे लगता है आज एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है 2450, ये इंपॉर्टेंट लेवल था। फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है 2365 पे, तो इट्स अ सेल इन SRF। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2410 का। मेरा इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा मेरे हिसाब से, अगर आप सटीक देखें तो 2270 तक का यहाँ पे फॉल मिलेगा, तो कम से कम आप कह सकते हैं कि 100 पॉइंट का फॉल SRF पे ड्यू है। SRF 100 पॉइंट के यहाँ पर स्विंग के लिए, 100 रुपए के स्विंग के लिए आपको क्लिक करना है SRF शॉर्ट कॉल। मेरे ख्याल से सारे ट्रेड्स हो चुके हैं यहाँ पे। राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं अब। राजेश अग्रवाल जी, अच्छा कविता जी रह गई, माफ कीजिएगा मैं भूल गया एकदम से। कविता जी बताइए, आपके ट्रेड कैरी करेंगी? वैसे तो ट्रेड नहीं भी कैरी करे तो चलेगा, एंजॉय डांडिया नवरात्रि, बट स्टिल इसका लैब मुझे अच्छा लग रहा है। 1498 के लेवल पर है, तो डिफेंसिव से आप इसका लैब को लेकर जा सकते हैं। 1490 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 15-15-15-25। नहीं तो कविता जी शॉर्ट लॉन्ग ले लीजिए, क्या दिक्कत की बात है? आपको गरबा करने में दिक्कत थोड़ी करेगा, ट्रेड दिया आपने ठीक है, कोई डिस्टर्ब थोड़ी करेगा आपको वीकेंड में, है ना ये। राजेश अग्रवाल जी आप क्या करेंगे, मतलब आपके कैरी करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए? वीरेंद्र जी, नेक्स्ट वीक हो या थोड़ा सा लंबी अवधि हो, उसके लिए एक ऐसा स्टॉक दूंगा जिसे मैंने कई बार दिया है, BSE का। और मुझे याद पड़ता है 800-850 से देने चालू किए थे, आज की डेट में 4000 के ऊपर खड़ा है और मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत अपसाइड बची हुई। पहली तिमाही के नतीजे देखें, 180% के बढ़त थी रेवेन्यू में, मार्जिन 47% के आए थे 33 के सामने, बॉटम लाइन 4 गुना हो गई थी,
एफएनओ के मार्केट में अब जो ओवरहैंग था वो दूर हो गया है, और जो एफएनओ के कारण से वॉल्यूम में गिरावट आएगी वो उनके 20% के आसपास आएगी, और टैरिफ हाइक हुई है तो वो मेरे ख्याल से सेट ऑफ हो जाएगा। सीडीएसएल में इनके करीब करीब 15% की होल्डिंग है, आईएनएक्स गिफ्ट सिटी में इनकी पहुंच है, स्टार म्यूचुअल फंड जो कि म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो इनके पास है, कंपनी के पास करीब करीब 2000 करोड़ की कैश पोजीशन है, और इन सब चीजों के बीच में कई लोग अभी हमारे पैनल में भी सेल की कॉल दे रहे थे, कोई बाय की कॉल दे रहा था, भाई बाइंग करो या सेलिंग करो, एक्सचेंजेस के तो रेवेन्यू आना ही है। मैं समझता हूँ बीएससी लिमिटेड एक बहुत उपयुक्त स्टॉक है, न केवल शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी।